सेक्शन 4 सब सेक्शन 1 समझते हैं, ये ऑपरेटिव पार्ट है, तो ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चंस बहुत आते हैं इसमें से। क्या कह रहा है सेक्शन 4 सब सेक्शन 1? कह रहा है ग्रेच्युटी मिलने की एलिजिबिलिटी क्या है, किसको मिलेगी ग्रेच्युटी। तो देखते हैं किसको मिलेगी ग्रेच्युटी। अगर कोई व्यक्ति नौकरी छोड़ रहा है, टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो रहा है सुपर एन्युएशन की वजह से, सुपर एन्युएशन मतलब टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ड्यू टू एज, एज पूरी हो गई, 60 साल तय थी 60 साल पूरी हो गई, 65 इयर्स तय थी तो 65 इयर्स, 50 तय थी तो 50, जितना साल तय था कि भाई इतने साल तक आप काम कर सकते हो उसके बाद नहीं कर सकते, उतने साल कंप्लीट हो गए एज के, तो सुपर एन्युएशन। किसी और वजह से आप नौकरी छोड़कर जा रहे हैं या नौकरी पूरी हो गई, जैसे कॉन्ट्रैक्ट था कि आप 10 साल काम करेंगे, एज पूरी नहीं हुई है अभी आपकी लेकिन कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया है इसलिए आप जा रहे हैं, है ना, या वॉलेंट्री रिटायरमेंट ले रहे हैं, वो तो आप समझते होंगे वॉलेंट्री रिटायरमेंट। तीसरी चीज है रेजिग्नेशन, है ना, काम छोड़कर जा रहे, रिजाइन कर दिया, आप नहीं करेंगे जी आपके साथ काम। इन तीन वजहों से अगर आपकी नौकरी खत्म हो रही है, अगर आपका टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट खत्म हो रहा है, तो कम से कम 5 साल आपने नौकरी की हो उसी एम्प्लॉयर के साथ, कंटिन्यूअस सर्विस की हो, तभी आपको ग्रेच्युटी मिलेगी, अदरवाइज ग्रेच्युटी वगैरह कुछ नहीं। ऐसा नहीं है कल आया आज चला गया तो ग्रेच्युटी मांगेगा, भैया लॉयल बनो, लॉयल कम से कम कितने साल काम करो, कम से कम 5 साल काम करो रेगुलर हमारे साथ, उसके बाद जब तुम जाओगे तो हमें दुख होगा, है ना, कल का आया आदमी आज चल दे तो उसके लिए थोड़ी दुख होगा, जो आदमी लंबे समय से हमारे यहां काम कर रहा था उसके लिए दुख होगा कि जा रहा है चलो इसको कुछ देके भेजो। सुपर एन्युएशन, रिटायरमेंट, रेजिग्नेशन की वजह से अगर किसी का एम्प्लॉयमेंट खत्म हो रहा है तो हम उसको ग्रेच्युटी देंगे अगर उसने हमारे साथ 5 साल काम किया है तो। लेकिन अगर डेथ या डिसेबिलिटी की वजह से नौकरी जा रही है तो फिर 5 साल वाला रूल देखने की आवश्यकता नहीं है, फिर कोई 5 साल की बाध्यता, कोई 5 साल की एलिजिबिलिटी की जरूरत नहीं होती है। सिंपल, ठीक है भाई, आदमी अपनी अपनी मर्जी से थोड़ी मरता है, अपनी मर्जी से थोड़ी अपना हाथ मशीन में गिरेगा, अपनी मर्जी से तो रिजाइन करेगा, अपनी मर्जी से तो रिटायर होगा, उसे थोड़ी पता था मैं मर जाऊंगा 3 साल में ही। जो आदमी हमारे साथ 2 साल से भी काम कर रहा था अगर वो मर गया है तो हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है, चलो भाई कुछ ग्रेच्युटी इसको दो, 2 साल की दो। तो लॉ सेक्शन 4 सब सेक्शन 1 ऑफ पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 कह रहा है कि डेथ और डिसेबिलिटी के केस में ग्रेच्युटी लेने की कोई मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ 5 ईयर्स नहीं है, लेकिन डेथ और डिसेबिलिटी की अगर बात नहीं है, किसी और वजह से नौकरी खत्म हो रही है, तो कम से कम 5 साल आपने इस एम्प्लॉयर के पास काम किया है तभी वो आपको ग्रेच्युटी देगा, अदरवाइज नहीं देगा। ठीक बात समझ में आ गई, तो ऐसे समझ लेते हैं, है ना, एग्जाम्पल ले लेते हैं, ऐसे ही नहीं छोड़ते। लो जी एग्जाम्पल, एग्जाम्पल ऐसा है कि मिस्टर ए, ठीक है जी, मिस्टर ए, इन्होंने हमारे साथ काम किया 7 साल, ठीक, उसके बाद अब ये जा रहे हैं नौकरी छोड़ के, ग्रेच्युटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ग्रेच्युटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए, हाँ मिलनी चाहिए, क्यों मिलनी चाहिए, 5 साल से ज्यादा काम करके गए। अच्छा, दूसरा एक साहब है वो हमारे पास 8 साल से काम कर रहे थे, अब सुपर एन्युएट हो गए, 60 साल की हमारे यहां लिमिटेड, 60 साल से ऊपर का आदमी हम काम नहीं कराते हैं, वो जब आए थे तो 52 ईयर्स के थे, अब 8 ईयर्स काम करके जा रहे हैं, ग्रेच्युटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, हाँ जी मिलेगी। एक आदमी ने हमारे साथ 3 साल काम किया, अब वो रिटायर हो रहे हैं, ग्रेच्युटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। एक आदमी ने हमारे साथ 4 साल काम किया, अब वो रिजाइन करके जा रहे हैं, ग्रेच्युटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए, बताओ भाई,
मिलने चाहिए या नहीं मिलने चाहिए भाई और बहनों? नहीं मिलनी चाहिए। क्यों नहीं मिलनी चाहिए? क्योंकि 5 साल पूरे नहीं हुए। एक साहब जो हमारे यहां नौकरी करने आए थे, उनका एक्सीडेंट हो गया और उनकी डेथ हो गई। वो हमारे यहां 3 साल से काम कर रहे थे। बताइए, ग्रेच्युटी मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? इनको ग्रेच्युटी मिलनी चाहिए, क्योंकि डेथ के केस में 5 साल वाला जो रूल है वो अप्लाई नहीं होता है। ठीक, चलिए जी। अब सवाल आती है, कितनी ग्रेच्युटी दें? सबको एक बराबर दे दें? 7 साल वाले को भी उतनी, 10 साल वाले को भी उतनी, 25 साल वाले को भी उतनी? नहीं, कोई सिस्टम रखना पड़ेगा। सिस्टम क्या है जी? सिस्टम के लिए हमने ग्रेच्युटी को नंबर ऑफ इयर्स कंप्लीटेड के हिसाब से कर दिया है। लेकिन आप लोग सीएमए हैं, कॉस्ट अकाउंटेंट हैं, कॉस्टिंग में भी आपने लेबर चैप्टर पढ़ा है, उसमें आपने पढ़ा होगा कि 2 तरह के एम्प्लॉय होते हैं। एक जो टाइम रेटेड एम्प्लॉय होते हैं और दूसरे जो पीस रेटेड एम्प्लॉय होते हैं। तो टाइम रेटेड एम्प्लॉय के लिए ग्रेच्युटी की कंप्यूटेशन इस प्रकार होगी कि उसने अभी तक कितने साल कंप्लीट किए, है ना। जैसे मान लीजिए किसी ने 8 साल कंप्लीट किए, तो हर साल के लिए उसे 15 दिन की सैलरी एज ग्रेच्युटी देंगे, है ना। सुनने में थोड़ा टेक्निकल है, देखिए क्या कह रहा है। 15 डेज सैलरी फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर। मतलब अगर किसी ने हमारे साथ 10 साल काम किया है, अब वो काम छोड़कर जा रहा है, तो उसकी 150 डेज की सैलरी कितनी बनती है? 150 डेज की सैलरी निकालेंगे और दे देंगे। अब आप कहोगे जी सैलरी कौन सी वाली? जब वो अपॉइंट हुआ था तब वाली, जब वो रिटायर हो रहा है तब वाली, अब वाली, तब वाली, तब वाली, कब वाली? तो सैलरी लास्ट ड्रॉन, जब वो रिटायर हो रहा है, जिस मंथ में रिटायर हो रहा है उस मंथ में उसकी सैलरी कितनी थी, दैट इज कॉल्ड सैलरी लास्ट ड्रॉन। ठीक, फॉर एग्जाम्पल मिस्टर जे इज वर्किंग इन ए फैक्ट्री फॉर लास्ट 7 ईयर्स एंड 8 मंथ्स। 8 मंथ्स वाली बात जानबूझ के यहां लिखी गई है क्योंकि इसका भी रेलिवेंस है। हिज लास्ट सैलरी वॉज 16,000। ही वॉज अपॉइंटेड एट ए सैलरी ऑफ 12,000। वॉट वुड बी हिज ग्रेच्युटी? उसकी ग्रेच्युटी कितनी होनी चाहिए? कितने साल काम करा है उसने? 7 साल 8 महीने। अगर 6 महीने से ज्यादा काम किया है तो ईयर को राउंड ऑफ करेंगे अगले ईयर में, यानी इस केस में हम मानेंगे कि उसने 8 साल हमारे साथ काम किया है। ये आ गया जी 8 साल। ठीक है, हर साल के लिए 15 दिन की सैलरी। अब ये सैलरी तो उसकी 1 महीने की है ना, इसे थोड़ी 15 × 8 कर देंगे। ये 1 महीने की सैलरी है, तो 1 दिन की सैलरी कैसे निकलेगी भाई? 16,000 तो 1 महीने की सैलरी है, इसे डिवाइड कर दे 30 से तो 1 दिन की निकल जाएगी। नॉर्मली तो हम ऐसे ही करते हैं, लेकिन ग्रेच्युटी एक्ट कहता है 1 महीने में 26 दिन होते हैं। तो ये जो सैलरी निकली 16,000/26, ये 1 दिन की सैलरी हुई। इसे 15 से मल्टीप्लाई कर दें तो 15 डेज की सैलरी निकल गई, है ना। और कितने साल कंप्लीट कर लिए इसने? 8 ईयर्स कंप्लीट कर लिए, तो इसे आगे 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, निकल गई ग्रेच्युटी। सिंपल कैलकुलेशन है, है ना। हाँ, और जो हमारी एग्जांपल्स होंगे उन्हें हम क्वेश्चंस में करेंगे डिस्कस, किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, इंस्टीट्यूट ने पूछे हैं, उसके हिसाब से करेंगे। तो टाइम रेटेड वाला तो सिंपल है भाई, उसकी लास्ट सैलरी देख लेंगे कितनी है। लेकिन पीस रेटेड वाले की लास्ट सैलरी, अगर पीस रेटेड वाले की लास्ट सैलरी देखेंगे, लास्ट वेज देखेंगे, तो पीस रेट वाला तो पता है लास्ट दिन क्या करेगा, आएगा और भाई साहब सारी जिंदगी का एक्सपीरियंस लगा देगा कि आज तो इतने पीस बनाने हैं, इतने पीस बनाने हैं जितनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं बनाए। कर सकता है कि नहीं कर सकता है? अच्छा, मान लो जिस दिन वो रिटायर हुआ उस दिन थोड़ा बीमार था, थोड़े कम पीस बनाए, तो पूरे लाइफ की उसकी जो ग्रेच्युटी थी वो तो कम हो जाएगी। तो पीस रेटेड एम्प्लॉय के रिलेशन में
ग्रेचुटी एक्ट ये कहता है कि उसकी सैलरी लास्ट ड्रॉन कैसे निकलेगी, वो पिछले 3 महीने की एवरेज के हिसाब से निकलेगी। पीस रेटेड एम्प्लॉई ने रिटायरमेंट से पहले पिछले 3 महीने में कितनी कितनी सैलरी ड्रॉ की है उसके हिसाब से उसकी सैलरी लास्ट ड्रॉन निकलेगी। कंप्यूटेशन का तरीका वही रहेगा, जितने साल काम कर लिया मल्टीप्लाइड बाई 15/26 इंटू सैलरी, तरीका वही है। ठीक, सिर्फ सैलरी निकालने का तरीका अलग है, और इस सैलरी में ओवरटाइम नहीं जोड़ेंगे, है ना, फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। हमें एम्प्लॉयर का भी सोचना है, एम्प्लॉय का भी सोचना है। चलिए जी, फिर कह रहा है सीजनल एम्प्लॉय का क्या, सीजन तो एक साल में 2 भी हो सकते हैं। वो कह रहा हां बिल्कुल हो सकते हैं, तो उसको नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स नहीं देखने, उसको नंबर ऑफ कंप्लीटेड सीजन्स देखने हैं सीजनल एम्प्लॉय के केस में। और डेज भी 15 नहीं लेंगे, है ना, अगर उसके 15 डेज लेंगे और एक साल में 3 सीजन लगते हैं तो उसके तो 15 × 3 = 45 डेज हो गए हर साल के, है ना, तो सीजनल वाले के तो मजे आ गए। तो ये कहा कि भाई 7 दिन की सैलरी लेंगे, यानी के 7/26 इंटू सैलरी इंटू नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ सीजन्स। ठीक है, मान लीजिए उसने हमारे साथ 10 साल काम किया, हर सीजन में, हर ईयर में 2 सीजन होते हैं, कितने साल काम करा 10 साल, हर साल में कितने सीजन होते हैं 2, तो टोटल नंबर ऑफ सीजन्स कितने हो गए 20, तो 7/26 है ना। अच्छा देख लो, चलो एग्जांपल ले लो, हम कह रहे हैं नंबर ऑफ ईयर्स कितने हो गए, नंबर ऑफ ईयर्स हैं जी 10, नंबर ऑफ सीजन हर साल में कितने सीजन काम होता है जी 2 सीजन, तो टोटल सीजन कितने हो गए 20, है ना। अब इसी को एग्जांपल ले लें कि 16,000 सैलरी थी, तो 16,000 तो हो गई सैलरी, 7 डेज, ये तो 1 महीने की सैलरी है, डिवाइड कर दो 26 से, और सीजन कितने हो गए 20, सीजन कितने हो गए 20, निकल आएगी ग्रेजुटी, है ना। हाँ, अरे आसान है, बहुत आसान है। बाकी कंप्यूटेशंस के जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आंसर वाली क्लास में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, हाँ बने रहो। अब आना चाहिए सेक्शन 4 सबसेक्शन 3। सेक्शन 4 सबसेक्शन 3 की मैंने स्लाइड नहीं बनाई है, छोटी सी बात सेक्शन 4 सबसेक्शन 3 कर रहा है, कह रहा है कि किसी भी एम्प्लॉय की जो ग्रेचुटी है वो 20 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, है ना। यानी के सेक्शन 4 सबसेक्शन 2 के हिसाब से जो हमने ग्रेचुटी कंप्यूट की है, अगर वो 21 लाख आ रही है तो हम उसे 21 लाख नहीं देंगे, कितनी देंगे 20 लाख देंगे, है ना। यानी सीलिंग लगा दी गई है ग्रेचुटी के ऊपर, कितनी 20 लाख रुपए की। चलिए जी आगे चलते हैं। एम्प्लॉय रीएम्प्लॉयड एट रिड्यूस्ड वेजेस सेक्शन 4 सबसेक्शन 4। इससे पहले कि मैं आपको सेक्शन 4 सबसेक्शन 4 पढ़ाऊं, पेश है एक कहानी। कहानी में है एक ड्राइवर, ड्राइवर का नाम है केसर। केसर एक फैक्ट्री में ड्राइवर के रूप में काम करता है और उसे हर महीने 20,000 रुपए सैलरी मिलती है, ठीक है जी। आराम से काम कर रहा था, बढ़िया काम चल रहा था फर्स्ट क्लास केसर का। एक दिन बस चलाते वक्त उसका एक्सीडेंट हो गया, ठीक है। जब उसका एक्सीडेंट हुआ तब तक वो 8 साल की नौकरी कंप्लीट कर चुका था। कहानी ध्यान से सुनी ना। हाँ, अब बताओ जरा ड्राइवर का नाम क्या है, केसर। केसर क्या करता है, केसर बस चलाता है।
केसर का क्या हो गया, केसर का एक्सीडेंट हो गया। जब एक्सीडेंट हुआ तब तक वो कितने साल काम कर चुका था, वो 8 साल काम कर चुका था, ठीक है जी। अब एक्सीडेंट में वो हो गया डिसेबल, मतलब अब वो बस चलाने लायक नहीं रहा, अब वो बस नहीं चला सकता किसी वजह से, कुछ ऐसा हो गया, कुछ ऐसी टांग टूट गई, कुछ ऐसा हो गया कि अब वो बस नहीं चला सकता। अब वो बस नहीं चला सकता, ड्राइवरी नहीं कर सकता, तो एम्प्लॉयर के पास तो एक ही ऑप्शन है ना, उससे कहे भाई देखो केसर, तुम तो यहां ड्राइवरी का काम करते थे, अब तो तुम बस नहीं चला सकते हो, नमस्ते, थैंक यू वेरी मच, 8 साल तुम्हारे कंप्लीट हो चुके हैं, लो अपनी ग्रेच्युटी और जाओ। नहीं, एम्प्लॉयर के पास एक और रास्ता है, वो उससे कहे यार तुमने हमारे साथ 8 साल काम किया, अब तुम डिसेबल हो गए हो और हम तुम्हें ये कहें जाओ कहीं और कुछ और काम देखो, ये अच्छी बात नहीं है, एक काम करो हमारे साथ ही काम करो, ड्राइवरी नहीं कर सकते कोई बात नहीं, कंडक्टरी कर लो। और उसे हमने अपनी ही कंपनी में कंडक्टर रख लिया, लेकिन कंडक्टर को तो 20,000 रुपए हम नहीं देते, हम तो कंडक्टर को 15,000 देते हैं, कोई बात नहीं, डिसेबल्ड आदमी काम तो मिल रहा है, ठीक। अब ये बताओ, कहानी ध्यान से सुन रहे हो, हाँ, कोई नानी की कहानी नहीं है क्या, जितनी सुनी ठीक, कहानी टेक्निकल है। केसर एक्सीडेंट से पहले कितने साल काम कर चुका था, 8 साल। केसर की उस समय सैलरी कितनी थी, 20,000। फिर केसर का क्या हो गया, एक्सीडेंट, अब केसर क्या बन गया, कंडक्टर है, डिसेबल्ड नहीं, कंडक्टर। अब उसकी सैलरी कितनी है, 15,000। अब केसर ने 4 साल काम और करा और फिर उसने नौकरी छोड़ दी, है ना। उसके बच्चों ने कहा कि जी आपसे हो नहीं रहा है, अब हम भी कमाने लगे हैं, पिताजी आप नौकरी छोड़ दो, घर में बैठो आराम करो, कहां परेशान हो गए। उसने कहा ठीक है यार, अच्छे बच्चे हैं मेरे, चलो मैं नौकरी छोड़ देता हूं, घर बैठता हूं। अब उसने नौकरी छोड़ दी। अब सवाल ये उठता है, केसर को अगर आज रिटायरमेंट के टाइम पर ग्रेच्युटी देनी हो तो एज पर सेक्शन 4 सबसेक्शन 2 सैलरी लास्ट ड्रॉन है 15,000। अगर हम केसर को 15,000 रुपए के हिसाब से ग्रेच्युटी देंगे तो केसर को नुकसान है, क्योंकि पहले केसर की सैलरी कितनी थी, 20,000। और अगर अब तक की सैलरी उसे 20,000 के हिसाब से देते हैं तो एम्प्लॉयर को नुकसान है। एक तो एम्प्लॉयर ने मजबूरी में मुसीबत में उसका साथ दिया, ऊपर से तुम एम्प्लॉई के ही डंडा कर दो है कि दे 20,000 रुपए, नहीं। तो अगर 20,000 के हिसाब से ग्रेच्युटी दे तो एम्प्लॉयर को नुकसान, 15,000 रुपए के हिसाब से दे तो एम्प्लॉई को नुकसान। लेकिन लॉ तो किसी का नुकसान नहीं चाहता, तो लॉ क्या कहता है, लॉ ये कहता है भाई एक काम करो, 8 साल की ग्रेच्युटी दीजिए उसको 20,000 के हिसाब से, और बाकी 4 साल की ग्रेच्युटी दीजिए उसको 15,000 के हिसाब से। इसमें ना तो एम्प्लॉयर को कोई नुकसान होगा और ना एम्प्लॉई को कोई नुकसान होगा, है ना। तो अगर कोई कहे भाई कंप्यूटेशन करके दिखा दो, लो जी कंप्यूटेशन भी देख लो, है ना, ग्रेच्युटी कैसे दी जाएगी केसर को, 2 हिस्से कर दो इसके, 20,000 / 26 / 15 / डिसेबलमेंट से पहले 8 साल काम कर चुका था और 15,000 जो कि उसकी अब की सैलरी है, 15 दिन की सैलरी 4 साल के लिए, सिंपल है ना, इजी है, कोई परेशानी नहीं है। पूरी ग्रेच्युटी को 2 हिस्सों में बांट दो, बिफोर डिसेबलमेंट एंड आफ्टर डिसेबलमेंट। चलिए जी, अब बात आती है शरारती लोगों की, अब बात आती है गंदे लोगों की, उपद्रवी लोगों की। एक आदमी ने फैक्ट्री में आग लगा दी, वो हमारे यहां 6 साल से काम कर रहा था, हमने उसे नौकरी से निकाल दिया, वो कह रहा है जी ग्रेच्युटी दो 6 साल की। क्या हम उसकी ग्रेच्युटी काट सकते हैं, क्या हम उसकी ग्रेच्युटी फॉरफीट कर सकते हैं? सेक्शन 4 सबसेक्शन 6 इसी काम के लिए बनाया गया है। अब आप कहोगे अरे सर, सेक्शन 4 सबसेक्शन 3 की तरह सेक्शन 4 सबसेक्शन 5 भी गायब कर दिया क्या?
सेक्शन 4 सब सेक्शन 5 भी गायब कर दिया क्या? नहीं, गायब नहीं किया, अभी डील करेंगे, रुक जाओ, ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है इसलिए पहले डील कर रहा हूं, सुनो। ये कह रहा है अगर किसी व्यक्ति की, अगर किसी व्यक्ति को नौकरी से निकाल दिया गया है तो उसकी पूरी या कुछ हिस्सा ग्रेचुटी फॉरफिट हो सकती है, लेकिन उसको किस ग्राउंड पे निकाला गया हो, उसको या तो रॉयटस या डिसऑर्डरली कंडक्ट की वजह से निकाला गया है। रॉयटस मतलब दंगा, फसाद, दंगाई आदमी है, तोड़फोड़ करता है, आगजनी करता है, मारपिटाई करता है। डिसऑर्डरली कंडक्ट मतलब ऑर्डर फॉलो नहीं करता। सीनियर कह रहा है ये देखो क्या गंदगी कर रखी है मशीन के आगे, हटाओ इसे। मैं नहीं हटा रहा, तू हटा ले। है? ऐसे आदमी को तो बाहर कर देना चाहिए। कर दिया बाहर तो क्या उसकी ग्रेचुटी फॉरफिट कर सकते हैं? हां, पूरी भी कर सकते हैं और पार्शल भी कर सकते हैं। या उसने कोई ऐसा काम किया है जो मॉरल टर्पीट्यूड, नैतिक मूल्यों के भी खिलाफ है। कोई चोरी करते हुए पकड़ा गया है, कोई ट्रेड सीक्रेट चुराता हुआ पकड़ा गया है, मॉरली भी आदमी खराब है, वो नैतिकता के आधार पर भी खराब है। रिश्वत लेता हुआ पकड़ा गया, कंपटीटर को कुछ सीक्रेट बताता हुआ पकड़ा गया, हमने उसे नौकरी से हटा दिया, तो क्या उसकी ग्रेचुटी फॉरफिट हो सकती है? हां, हो सकती है। कितनी? पूरी भी हो सकती है, पार्शल भी हो सकती है। अच्छा, अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को हमने इसलिए हटाया है कि उसने कोई नुकसान हमें कर दिया है नेग्लिजेंस की वजह से, उसकी नेग्लिजेंस की वजह से है ना, हमारा कोई नुकसान हो गया है। नॉर्मली क्या होता है, एक आधी नेग्लिजेंस हुई, छोटा मोटा नुकसान हुआ तो किसी नौकरी से नहीं निकालते, लेकिन उसकी नेग्लिजेंस बड़ी थी, नेग्लिजेंस बड़ी थी, उसको हटा दिया। मशीन खराब कर दी उसने नेग्लिजेंस की वजह से, उसको बार बार कहा गया इसमें ऑयलिंग कर लो, इसमें ऑयलिंग कर लो, इसमें ऑयलिंग कर लो, उसने नहीं करी, मशीन खराब हो गई, तो उसकी पूरी ग्रेचुटी नहीं काटी जाएगी, उसकी ग्रेचुटी उतनी काटी जाएगी जितना कि हमको लॉस हुआ है ना, क्योंकि हम हमें पता लग सकता है कि भाई इतना लॉस हुआ है। दंगे फसाद में हो सकता है लॉस कम हुआ हो, लेकिन दंगा बड़ा था, आग वाग तो सही जगह लगाई लेकिन ज्यादा आग पकड़ी नहीं किसी चीज ने, डंडा उठाया जनरल मैनेजर के सिर में मार दिया, बेहोश हो गया जनरल मैनेजर, लोग उठा के उसे अस्पताल ले गए, अस्पताल ले जाते होश आ गया, अस्पताल वालों ने पट्टी कर दी, 50 रुपए का बिल बन गया, तो ग्रेचुटी में से 50 रुपए काटे क्या? मर जाता वो आदमी तो, कंडक्ट कैसा उसका? रॉयटस, दंगाइयों वाला, वहां लॉस कॉज नहीं, दंगे में लॉस कॉज नहीं, नेग्लिजेंस की वजह से अगर नुकसान हुआ तो जितना नुकसान हुआ उतने पैसे ग्रेचुटी में से काटे जा सकते हैं, ठीक है जी। तो एक तो सेक्शन 4 सब सेक्शन 5 हमारा रह गया है ना, ये क्या कह रहा है जी? कह रहा है कि आपने सेक्शन 4 सब सेक्शन 3 में एक लिमिट लगाई है 20 लाख रुपए की। मान लीजिए कि हमारा और सेक्शन 4 सब सेक्शन 2 में लिमिट लगाई है 15 दिन की, कि एक साल में आपको 15 दिन की ग्रेचुटी के बराबर पैसा मिलेगा। मान लो मेरा अपने एम्प्लॉयर से एग्रीमेंट हुआ है कि मुझे 20 दिन की ग्रेचुटी मिलेगी हर साल, तो इस एक्ट के आने के बाद क्या वो 20 दिन की मिलेगी कि 15 दिन हो जाएगी, या क्या इस एक्ट के आने के बाद कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज को ज्यादा ग्रेचुटी देना चाहे तो नहीं दे सकता है क्या? सेक्शन 4 सब सेक्शन 5 कह रहा है नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज को एग्रीमेंट करके या कॉन्ट्रैक्ट करके बेहतर ग्रेचुटी देना चाहता है, ज्यादा ग्रेचुटी देना चाहता है, तो दे दे, कोई लिमिट नहीं है, दे दे, ठीक है ना। ये है सेक्शन 4 सब सेक्शन 5, ज्यादा बड़ी बात नहीं है इसमें कुछ। अब बात करते हैं हम थोड़े से केस लॉस की। पहला केस लॉ है कर्नाटका स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन बेंगलोर वर्सेस डेप्यूटी लेबर कमिश्नर। ये कह रहा है
कि ग्रेच्युटी जो है वो स्टैट्यूटरी राइट है एम्प्लॉई का, उसको केवल और केवल जो सरकमस्टांसेस सेक्शन 4 सब सेक्शन 6 में दिए गए हैं उन्हीं केसेस में ग्रेच्युटी को फॉरफिट किया जा सकता है। एम्प्लॉयर अपनी तरफ से नए क्लॉज डालकर, नए क्लॉज का एग्रीमेंट करके ग्रेच्युटी फॉरफिट नहीं कर सकता। ज्यादा ग्रेच्युटी देना चाहता है तो एग्रीमेंट करके दे सकता है, लेकिन किसी और ग्राउंड पर ग्रेच्युटी फॉरफिट करना चाहता है तो नहीं कर सकता। ग्राउंड्स लिमिटेड है, राइटस बिहेवियर, डिसऑर्डरली कंडक्ट, ऑफेंस इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड, लॉस कॉज ड्यू टू नेग्लिजेंस। इसके अलावा और किसी ग्राउंड पर अगर आपने एम्प्लॉई को निकाला है तो आप उसकी ग्रेच्युटी फॉरफिट नहीं कर सकते। एक और केस है जी, डीएस नाकरा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट ग्रेच्युटी इज अ सोशल वेलफेयर मेजर rendering social economic justice by providing economic security in the fall of life when physical and mental powers is ebbing corresponding to aging process and when one falls back on savings. Such payment cannot be withheld unless specifically permitted by any statutory provision. लॉ में बताए हुए प्रोविजंस के अलावा और किसी प्रोविजन के हिसाब से आप ग्रेच्युटी काट नहीं सकते। एक और केस देखो जी, डीवी कपूर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये भी यही कह रहा है, स्टैट्यूटरी राइट है जी, आप ग्रेच्युटी विदहोल्ड नहीं कर सकते, आप ग्रेच्युटी विदहोल्ड नहीं कर सकते। मान लेते हैं कि कोई ऐसा रूल है ना, कोई रूल कहीं बनाया गया है जहां पर कि उस संस्था का प्रेसिडेंट अगर चाहे तो पनिशमेंट के तौर पर, ग्रेच्युटी काट सकता है किसी भी ग्राउंड पर। क्या ये सेक्शन 4 सब सेक्शन 6 के अगेंस्ट नहीं है? हाँ जी बिल्कुल है। तो क्या प्रेसिडेंट को पावर होनी चाहिए? मान लो रूल भी है, सरकार का बनाया हुआ रूल है, नहीं, गवर्नमेंट का बनाया हुआ रूल पार्लियामेंट के बनाए हुए सेक्शन के ऊपर नहीं हो सकता। अगर गवर्नमेंट के बनाए हुए रूल और पार्लियामेंट के बनाए हुए सेक्शन के बीच में टकराव की स्थिति पैदा होती है तो पार्लियामेंट का बनाया हुआ सेक्शन प्रिवेल करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट का बनाया हुआ रूल प्रिवेल नहीं करेगा। ठीक, फिर क्या कह रहा है जी, द कोर्ट केएसआरटीसी, वो ऊपर वाली बात दोबारा से रिपीट हो रही है कि भाई किसी की भी ग्रेच्युटी अगर फॉरफिट कर रहे हो ना तो पहले उस व्यक्ति को एक बार अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दीजिए कि हम आपकी ग्रेच्युटी काट रहे हैं, बताइए कि आपकी ग्रेच्युटी क्यों ना काटी जाए। गॉट इट? ऐसे ही नहीं बस काट लिया और जाओ भागो यहां से, हो गया रिटायरमेंट तुम्हारा, ऐसे नहीं। जिसकी ग्रेच्युटी काट रहे हैं एक बार उसकी सुनवाई का मौका देना चाहिए कि वो अपनी सफाई में कुछ कहना चाहता है क्या। ठीक है जी, चलिए अब कुछ डेफिनेशंस पढ़ रहे हैं जो कि सेक्शन 4 में इस्तेमाल हुए वर्ड्स हैं। सुनो, पहला क्या है, रिटायरमेंट। मैंने क्या बताया, एज के अलावा किसी वजह से अगर रिटायर हो रहे हैं तो हम उसको कहते हैं रिटायरमेंट। और सुपर एनुएशन मतलब एज की वजह से अगर रिटायर हो रहे हैं तो उसे कहते हैं सुपर एनुएशन। ठीक है, क्या कहते हैं, एज की वजह से रिटायर हो रहे हैं तो सुपर एनुएशन। सुपर एनुएशन के अलावा किसी वजह से अगर रिटायर हो रहे हैं तो रिटायरमेंट है ना। यानी अगर ऐसे देखें तो रेजिग्नेशन इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ रिटायरमेंट। चलिए जी, फिर नंबर आता है वेजेस। वेजेस के तीन हिस्से बताए गए। पहला, वेजेस मींस, वेजेस का मतलब क्या है, और मैंने पहले भी बताया था वेजेस या सैलरीज दोनों। ठीक है, कह रहा है वेजेस का मतलब है ऑल इमोल्यूमेंट्स, जो भी आपको मिला, जो भी पैसा आपको मिला, ठीक है,
कब? नौकरी करते वक्त, जब आप नौकरी पर आए उस लिए, या आप छुट्टी पर थे उस लिए। एक चीज होती है अर्नड लीव, साल में 12 अर्नड लीव मिलेंगी, मतलब साल में आप 12 छुट्टी कर सकते हो, आपकी तनख्वाह नहीं कटेगी, आप फैक्ट्री नहीं गए फिर भी आपको पैसा मिला। तो ये पैसा किस लिए मिला आपको? ड्यूटी पर होने के लिए मिला या लीव पर होने के लिए मिला? लीव पर होने के लिए मिला। क्या इसे आप वेजेस या सैलरी मान सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल मान सकते हैं, सेक्शन कह रहा है। जो भी पैसा आपको मिला, चाहे आप ड्यूटी पर थे चाहे आप छुट्टी पर थे, उसे कहेंगे वेजेस। लेकिन मिलना कैसे चाहिए? कैश में, एम्प्लॉयर ने गिफ्ट के रूप में घड़ी दे दी, एम्प्लॉयर ने गिफ्ट के रूप में कंबल दे दिया, एम्प्लॉयर ने गिफ्ट के रूप में लंच दे दिया। कैश में जो आपको मिला वो आपकी वेजेस है, सैलरी है। एंड इंक्लूड्स डियरनेस अलाउंस, हिंदी में इसे कहते हैं महंगाई भत्ता। बेसिक सैलरी ना बढ़ाकर जब महंगाई बढ़ती है तो एम्प्लॉइज को महंगाई भत्ता दे दिया जाता है। बेसिक सैलरी बढ़ाएंगे तो सारे ही पेमेंट बढ़ जाएंगे, और इतनी महंगाई हो गई है कि भाई पैसे तो बढ़ने चाहिए, सैलरी तो बढ़नी चाहिए, यह एम्प्लॉयर को भी लगता है, तो वो बेसिक सैलरी ना बढ़ाकर डीए बढ़ा देता है। तो वेजेस इंक्लूड बेसिक सैलरी एंड वेजेस एंड डियरनेस अलाउंस। बेसिक सैलरी जोड़ लो, चाहे आप छुट्टी पर थे चाहे आप आ रहे थे, और डियरनेस अलाउंस जोड़ लो, ये दोनों जोड़ लो। और क्या मत जोड़ो, क्या शामिल नहीं करो? शामिल मत करो बोनस, कमीशन, हाउस रेंट अलाउंस, ओवरटाइम वेजेस या कोई और अलाउंस। बोनस नहीं जोड़ना, कमीशन भी नहीं जोड़ना, सेल का कमीशन हो, प्रोडक्शन का कमीशन हो, नहीं जोड़ना। हाउस रेंट अलाउंस दे रहे हैं, एम्प्लॉयर वैसे अपने एम्प्लॉइज को घर देता है, क्वार्टर बना के रख रखे हैं उसने, घर बना के रख रखे हैं, उनमें रहते हैं एम्प्लॉई। एक एम्प्लॉई ऐसा है जो कि उन घरों में नहीं रहता, तो उसको घर का किराया दे दिया जाता है, हाउस रेंट अलाउंस उसको कहते हैं। या और कोई भी अलाउंस आपको मिल रहा है ना, डियरनेस अलाउंस तो यहां शामिल हो गया, तो यहां एनी अदर अलाउंस का मतलब हुआ एनी अदर अलाउंस एक्सेप्ट डियरनेस अलाउंस। डियरनेस अलाउंस के अलावा अगर आपको कोई अलाउंस मिल रहा है तो वो वेजेस में शामिल नहीं होगा, है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई ग्रेचुटी के हिसाब से बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस इज कॉल्ड वेजेस। चलिए जी, हमने यहां पर एक डेफिनेशन अभी छोड़ी है फैमिली की, क्योंकि फैमिली नामक शब्द अभी तक इस्तेमाल नहीं हुआ। अब हम आते हैं सेक्शन 5 में, जो कि एग्जेम्पशन का सेक्शन है। एक फैक्ट्री है, उसमें एक एम्प्लॉई काम करता है, ठीक है। जब यह एक्ट आया, उससे पहले या उसके बाद भी इस एम्प्लॉई को ज्यादा ग्रेचुटी मिल रही थी। मान लीजिए यह आदमी काम कर रहा था जब ग्रेचुटी एक्ट नहीं आया था तब से, फिर एक्ट आ गया, अब इसको इसका एम्प्लॉयर देता था 20 डेज की ग्रेचुटी, अब आ गया एक्ट, एक्ट क्या कह रहा है? एक्ट कह रहा है जी 15 डेज की ग्रेचुटी। ऐसे में ये आदमी या ये फैक्ट्री एलिजिबल टू एग्जेम्पशन है, मतलब इसका एम्प्लॉयर ये कह सकता है सरकार से कि सरकार माई बाप, आप तो कह रहे हो 15 दिन की ग्रेचुटी दो, मैं पहले ही 20 दिन की ग्रेचुटी दे रहा हूं हर साल की, तो मुझे आप इस एक्ट से एग्जेम्प्ट कर दो, मैं तो पहले से ही बेहतर ग्रेचुटी दे रहा हूं, मैं तो सरकार की बताई हुई ग्रेचुटी से ज्यादा ग्रेचुटी दे रहा हूं, है ना। तो उसके लिए सरकार को एक एप्लीकेशन देनी होती है, एम्प्लॉयर देगा गवर्नमेंट को और गवर्नमेंट उसे एग्जेम्प्ट करेगी, ठीक। ओ सॉरी, फिर कह रहा है जी
एक एम्प्लॉई है, वो काम कर रहा है और उसको उतनी ही ग्रेच्युटी मिल रही है जितनी की इस एक्ट में मिलती है, पहले से मिल रही है। क्या ये फैक्ट्री का एम्प्लॉयर भी सरकार से कह सकता है कि मुझे एग्जेम्प्ट कर दो? दे रहा है? हाँ। कम तो नहीं दे रहा? नहीं। तो इसे भी एग्जेम्प्शन मिल सकती है। तीसरा एम्प्लॉयर है जिसके यहां जो एम्प्लॉई काम कर रहा है उसको इस एक्ट से कम ग्रेच्युटी मिल रही थी, है ना, मान लो 12 दिन की मिल रही थी, तो क्या उसे एग्जेम्प्शन मिल सकती है? नहीं, उसे एग्जेम्प्शन नहीं मिल सकती। यानी कि एग्जेम्प्शन उस एम्प्लॉयर को मिलेगी जो या तो इस एक्ट के बराबर ग्रेच्युटी दे रहा है या इस एक्ट से ज्यादा ग्रेच्युटी दे रहा है। वो एम्प्लॉयर जो इस एक्ट से कम ग्रेच्युटी दे रहा था एक्ट आने के पहले, उसे अब इस एक्ट के हिसाब से ग्रेच्युटी देनी होगी, है ना। ये बात, ये सेक्शन इस बारे में नहीं है कि कितनी ग्रेच्युटी देनी, ये सेक्शन इस बारे में है कि जिन जो एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज को ज्यादा ग्रेच्युटी दे रहे हैं, इस एक्ट से ज्यादा ग्रेच्युटी दे रहे हैं, वो सरकार से ये कह सकते हैं कि हम तो पहले से ही ग्रेच्युटी दे रहे हैं, जितना एक्ट कह रहा है उतना दे रहे हैं या उससे ज्यादा दे रहे हैं। तो वो सरकार को एक एप्लीकेशन लिखकर इस एक्ट से अपने आप को बाहर करा सकते हैं। देखिए सेक्शन क्या कह रहा है जी। सेक्शन 5 ऑफ दिस एक्ट गिव्स पावर टू अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, मतलब जहां सेंट्रल गवर्नमेंट है वहां सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जम्पशन दे, जहां स्टेट गवर्नमेंट है वहां स्टेट गवर्नमेंट एग्जम्पशन दे, है ना। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के बारे में और डिटेल में अभी चर्चा करेंगे, फिलहाल आप समझिए गवर्नमेंट, ठीक है। अगर उसको लगता है कि एम्प्लॉयज को, किसको, गवर्नमेंट को लगता है कि वहां काम करने वाले एम्प्लॉयज को नॉट लेस फेवरेबल इस एक्ट से कम ग्रेच्युटी नहीं मिल रही, नॉट लेस देन का मतलब क्या हो गया, या तो इक्वल टू दिस एक्ट या मोर देन दिस एक्ट। इक्वल टू दिस एक्ट मिल रही है तो भी एग्जम्पशन, और मोर देन दिस एक्ट ग्रेच्युटी मिल रही है तो भी एग्जम्पशन उस एम्प्लॉयर को मिल सकती है, ठीक। फिर क्या कह रहा है, कह रहा है जब भी कोई एम्प्लॉयर अपना फैक्ट्री ओपन करता है या क्लोज करता है या फैक्ट्री के ओपन होने या क्लोज होने के टाइम्स में चेंजेस करता है तो उसको सरकार को एक नोटिस देना होता है, ठीक है। मान लीजिए आज हमने अपनी फैक्ट्री लगाई, काम करना शुरू कर दिया, तो हमको सरकार को नोटिस भेजना है फॉर्म ए में कि हमने ये काम शुरू कर दिया जी, इतने बजे फैक्ट्री खुलती है, इतना आदमी काम करता है, इतने बजे बंद हो जाती है। अच्छा ठीक है जी, मान लेते हैं कि हमें इन सारी सिचुएशंस में या इन सारी इंफॉर्मेशंस में कुछ बदलाव करना है, चेंज करना है, तो सरकार को एक दूसरा नोटिस भेजेंगे हम फॉर्म बी में कि जी देखो पहले हम फैक्ट्री चलाते थे सुबह 8 बजे से 6 बजे तक, अब हम फैक्ट्री चलाते हैं सुबह 7 बजे से 7 बजे तक। पहले हमारा सीजन शुरू होता था जून में, अब हमारा सीजन शुरू होता है जुलाई में। यानी कि दिए गए डिटेल्स में कोई भी चेंज अगर है तो सरकार को बताएंगे फॉर्म बी में। और मान लीजिए काम धंधा चल ही नहीं रहा है, लॉकडाउन में पिट गए बिल्कुल, फैक्ट्री बंद करनी पड़ गई और फैक्ट्री बंद हो गई, तो क्लोजर का नोटिस हम फॉर्म सी में देंगे गवर्नमेंट को, ठीक है जी। नोट्स में देखिए कह रहा है अब आप जब भी कोई फैक्ट्री खोलेंगे तो फॉर्म ए देंगे सरकार को, कब, 30 दिन के अंदर अंदर। अगर आपकी फैक्ट्री इस एक्ट के आने से पहले से चल रही थी तो इस एक्ट के आने के 30 दिन में या फैक्ट्री शुरू होने के 30 दिन में। किसको देना है ये नोटिस, एक ऑथोरिटी बनाई है इस एक्ट के हिसाब से, उस ऑथोरिटी का नाम है कंट्रोलिंग ऑथोरिटी। एक ऑफिसर है जो कि ग्रेच्युटी के लॉज कंप्लाई हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं ये देखने के लिए बिठाया गया है। देन नोटिस ऑफ चेंज फॉर्म बी में, ठीक है जी, किसको देंगे, कंट्रोलिंग ऑथोरिटी को। कब देंगे, विद इन 30 डेज। जब भी कोई चेंज हुआ किसमें, नेम एड्रेस एम्प्लॉयर और नेचर ऑफ बिजनेस,
इनमें अगर कोई चेंज आया तो फॉर्म बी में हम सरकार को बताएंगे, और क्लोजर अगर कर रहे हैं तो फॉर्म सी देंगे। ठीक है, कब? 30-60 दिन में, 60 डेज में। क्लोजर के बाद 60 डेज में नहीं, जिस दिन हमने सोचा कि हां क्लोज करना है, इंटेंडेड क्लोजर, ठीक है ना, इंटेंडेड क्लोजर उससे 60 दिन पहले, है ना। मतलब फैक्ट्री क्लोज होने के 60 दिन पहले, आज सोचा कि बंद करेंगे, बंद करते 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 90 दिन हो गए, तो जिस दिन हम सोच रहे हैं कि उस दिन क्लोज करेंगे, उससे 60 दिन पहले कंट्रोलिंग अथॉरिटी को फॉर्म सी चला जाना चाहिए। यानी आज अगर फॉर्म सी कंट्रोलिंग अथॉरिटी को भेजा है तो 60 दिन बाद फैक्ट्री बंद होगी, उससे पहले बंद नहीं होगी, समझ गए? अच्छा, और ये जो ओपनिंग का नोटिस आपने सरकार को भेजा है ना, ओपनिंग का टाइम, एम्प्लॉयर का नाम, कितने लोग काम करते हैं वगैरह वगैरह, ये कंस्पिकुअस प्लेस पर, कंस्पिकुअस प्लेस पर मतलब जहां आते जाते सभी एम्प्लॉई, बाहर का आदमी, अंदर का आदमी, ऊपर का आदमी, नीचे का आदमी इस नोटिस को पढ़ सके, ऐसी जगह लगाना है। ऐसे नहीं कि कूड़ेदान के पीछे चिपका दिया कि चिपकाया तो हुआ है जी, नहीं, जहां सब लोग इसे पढ़ सके। और किस भाषा में? अंग्रेजी भाषा में। और मेजोरिटी एम्प्लॉई जिस भाषा को समझते हैं उस भाषा में भी, है ना। महाराष्ट्र में फैक्ट्री है तो मराठी में, तमिलनाडु में है तो तमिल में, है ना, वेस्ट बंगाल में है तो बांग्ला में, ज्यादातर लोग जिस भाषा को समझते हैं। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि फैक्ट्री तो है आपकी वेस्ट बंगाल में, लेकिन काम करने वाले ज्यादातर एम्प्लॉयज उड़ीसा के हैं, तो उड़िया भाषा में, फिर बांग्ला भाषा में नहीं, ठीक है ना। चलिए जी, ये बात समझ में आ गई। ओपनिंग का नोटिस फॉर्म ए, कितने दिन? 30 दिन। क्लोजर का नोटिस, सॉरी, चेंज का नोटिस फॉर्म बी, कितने दिन? 30 डेज। क्लोजर का नोटिस फॉर्म सी, कितने दिन? 60 डेज बिफोर इंटेंडेड क्लोजर। ए और बी दोनों जगह लिखा हुआ है आफ्टर, आफ्टर, यहां क्या लिखा हुआ है? बिफोर। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को, भूलेंगे नहीं। ये लो, आ भी गया। फिर बात आती है नॉमिनेशन। नॉमिनेशन मतलब भाई मामला पैसे का है। आप बैंक में खाता खुलवाते हैं तो बैंक पता क्या कहता है आपसे कि आपने खाता खुलवाया, खाते में पैसे भी रखोगे, भगवान ना करे कल को आपको हो जाए कुछ, मृत्यु हो जाए आपकी, आप कोमा में चले जाए, भगवान ना करे, तो ये पैसा हम किसे दें? ये आप हमें पहले बता दो, नहीं तो कल को क्या होगा, परिवार वालों के बीच में झगड़ा होगा, ये पैसा मैं लूंगा, बैंक की लायबिलिटी अलग से बन जाएगी। पता लगा बैंक ने आपके बेटे को पैसे दे दिए कि चलो इनका उत्तराधिकारी है, पीछे से बेटी आके खड़ी हो गई, उसको कैसे दे दिया भाई, उत्तराधिकारी तो मैं भी हूं, बात भी सही है, तो बैंक तो अपने पचड़े से बचना चाहेगा, इसलिए नॉमिनेशन कराता है। एम्प्लॉयर भी हर एक एम्प्लॉई को बोलेगा भाई अब तेरा 1 साल कंप्लीट हो गया, देख नौकरी करते करते, अब तू बता दे कि कल को अगर तुझे ग्रेच्युटी देनी हो, मतलब तुम्हारी जगह किसी को, कल तुम्हारी मृत्यु हो जाए, कुछ हो जाए, तो ग्रेच्युटी किसको देनी है? ही इज कॉल्ड नॉमिनी, उसको कहते हैं नॉमिनी, और इस प्रोसीजर को कहते हैं नॉमिनेशन। ठीक है, क्या कहता है सेक्शन 6(6) बारे में? सेक्शन 6 कहता है कि अगर कोई एम्प्लॉई है और उसको 1 साल कंप्लीट हो गया है तो एम्प्लॉयर उसको बोलेगा कि एक फॉर्म F आता है, उसको डुप्लीकेट में भरो और मुझे दो, और उसमें बताओ कि तुम किसको नॉमिनी बना रहे हो। तुम एक नॉमिनी भी बना सकते हो, एक से ज्यादा नॉमिनी भी बना सकते हो। एक से ज्यादा नॉमिनी बनाओगे तो ये बताओगे कि नॉमिनी ए को कितना मिलना चाहिए और नॉमिनी बी को कितना मिलना चाहिए, 50-50 करना है, 90-10 करना है, 60-40 करना, भैया हमको लिख के बताओ। एक नॉमिनी है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, एक से ज्यादा नॉमिनी है तो दिक्कत है, उसमें बताओ कितना पार्ट किसको देना है। एक बात यहां पर ध्यान रखने की है, अगर एम्प्लॉय की फैमिली है, हम अभी फैमिली की डेफिनेशन भी पढ़ेंगे,
अगर एम्प्लॉय की फैमिली है तो नॉमिनेशन केवल और केवल फैमिली मेंबर के नाम में ही हो सकता है। फैमिली के बाहर किसी व्यक्ति के नाम में नॉमिनेशन नहीं हो सकता है, ठीक है ना। ग्रेच्युटी एक्ट जब शुरू में आया था तो यह प्रोविजन ग्रेच्युटी एक्ट में नहीं था। लेबर वेलफेयर डिपार्टमेंट ने एक सर्वे कराया तो पता लगा बहुत सारे लोग जो उधार माल खरीदते हैं लालाओं से या शराब पीते हैं, वो शराब के ठेकेदारों के नाम में ग्रेच्युटी कर जाते हैं और घर वालों को कुछ नहीं मिलता। इस स्टडी के बाद सरकार ये कानून लेकर आई कि अगर किसी व्यक्ति के पास फैमिली है, उसके फैमिली में कोई मेंबर है, तो नॉमिनेशन केवल और केवल फैमिली के नाम में होगा। हाँ, अगर उसकी फैमिली में कोई है ही नहीं, वो अकेला ही आदमी है बेचारा, अनाथ असहाय है, तो फिर वो किसी के नाम में भी नॉमिनेशन कर सकता है। अकेला आदमी है ही नहीं, कोई मां बाप नहीं, भाई बहन नहीं है, तो जिसके नाम में चाहो उसके नाम में करे। लेकिन कल को उसकी शादी हो गई, पत्नी आ गई, तो उसे वो नॉमिनेशन बदलना पड़ेगा। भाई अब तो फैमिली हो गई ना, अब फैमिली मेंबर के नाम में करो, अब बाहर वाले के नाम में नहीं कर सकते आप। जब आपने पहला नॉमिनेशन किया था तब तो फैमिली नहीं थी, कोई बात नहीं किसी के नाम में भी कर दो, लेकिन अब शादी हो गई है, फैमिली बन गई है, तो अब आपको नॉमिनेशन बदल के फैमिली मेंबर के नाम में करना पड़ेगा। समझ गए? अरे बहुत समझदार हो आप लोग, ठीक है। अगर मैं चाहूं कि बदल दूं नॉमिनेशन, है ना, किसी आदमी ने अपनी पत्नी के नाम में नॉमिनेशन कर दिया, जिंदा है वो आदमी, पत्नी के नाम में नॉमिनेशन कर दिया, पत्नी उसे छोड़ के भाग गई, क्या करना चाहिए? नॉमिनेशन चेंज करना चाहिए? हां बिल्कुल करना चाहिए। तो अगर हम मॉडिफिकेशन करना चाहें नॉमिनी के नाम में या प्रपोर्शन में, पहले हमने बेटे बेटी को नॉमिनी बनाया हुआ था 50-50, फिर देखा बेटा तो बड़ा नालायक है, कैसा लाया, है ना, 40 करो बेटे का, बेटी का 60 करो, और नालायक है 30 करो, बेटी का 70 करो, तो चेंज कर सकते हैं। अगर मान लेते हैं जिसको हमने नॉमिनी बनाया वो मर जाए तो भी हमें चेंज करना पड़ सकता है, ठीक है जी। तो मैंने आपको बताया नाम में चेंज कर सकते हैं, प्रपोर्शन में चेंज कर सकते हैं, और एक चेंज हो सकता है जब एक्विजिशन ऑफ फैमिली हो, है ना, पहले फैमिली में कोई नहीं था, अब है, मां बाप भाई बहन कोई नहीं था, अकेले थे जी, लावारिस थे, नौकरी लग गई, नौकरी करते करते एक साल हो गया, दो साल हो गया, फिर शादी कर ली, अब पत्नी आ गई, तो पहले तो हमने नॉमिनेशन किसी और के नाम में किया हुआ था, अब हम पत्नी के नाम में नॉमिनेशन करेंगे, ऐसे भी चेंज हो सकता है, ठीक है जी। तो मैंने आपको बताया कि अलग अलग क्या क्या कारण हो सकते हैं नॉमिनेशन चेंज होने के, है ना, मॉडिफिकेशन के कई कारण हो सकते हैं, और एक कारण यह भी हो सकता है कि नॉमिनी प्रीडिसीसेस द एम्प्लॉई, नॉमिनी पहले मर जाए, एम्प्लॉई से पहले मर जाए, यह भी कारण हो सकता है, ठीक है जी। तो अब हम ये समझते हैं कि ये चेंजेस हम कैसे करेंगे, इनका प्रोसीजर क्या है। तो हमने नॉमिनेशन तक समझ लिया है कि भाई नॉमिनेशन कब होता है, क्यों होता है, किसको करना होता है। थोड़े बहुत नॉमिनेशन के और प्रोविजंस हैं जिनको हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक आप सेक्शन 6 और उससे पहले पढ़े हुए सेक्शन 4, 5 और 1-2 को ठीक से रिवाइज कर लीजिए। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, ऑल द लक। तो हमने नॉमिनेशन तक समझ लिया है कि भाई नॉमिनेशन कब होता है, क्यों होता है, किसको करना होता है। थोड़े बहुत नॉमिनेशन के और प्रोविजंस हैं जिनको हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक आप सेक्शन 6 और उससे पहले पढ़े हुए सेक्शन 4, 5 और 1-2 को ठीक से रिवाइज कर लीजिए। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, ऑल द लक।